दोस्तों, जहां हर लड़की हीरो की हीरोइन बनना चाहती है, वहीं एक ऐसी लड़की थी जो हर हीरो की बहन बनकर रह गई। आइए जानते हैं कौन और क्या थी उनकी कहानी। दोस्तों, फरीदा जलाल को कौन नहीं जानता, जिनकी एक मुस्कान ही ये बताती है कि वो कितनी पॉजिटिव औरत रही होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फरीदा जलाल बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन उन्हें सब ने सिर्फ हीरो की माँ बनाकर रख दिया। और इसकी शुरुआत की थी दिलीप कुमार ने। दिलीप कुमार के कारण ही टाइपकास्ट हुई थी एक्ट्रेस। फरीदा का करियर वैसे तो 60 के दशक में शुरू हुआ। उन्होंने एक कॉन्टेस्ट जीता और उसके बाद उन्हें फिल्में मिलने लगी। आप जानते हैं कि फरीदा जलाल को हमेशा ही बहन का रोल ही ऑफर हुआ, लेकिन ऐसा क्यों? फरीदा जलाल ने यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट जीतकर अपनी करियर की शुरुआत की थी, और इसी कंपटीशन को राजेश खन्ना ने भी एज अ मेल कॉम्पिटिटर जीता था। इसके बाद तारा बरजातिया ने उन्हें पहली मूवी तकदीर ऑफर की और उसके बाद फरीदा का फिल्मी करियर शुरू हुआ। फरीदा जलाल इतनी सुंदर और पोलाइट थी, लेकिन फिर भी उन्हें मेल लीड की बहन या फिर रिजेक्टेड मंगेतर के करेक्टर ही निभाने को मिलते थे। लेकिन फीमेल लीड की ऑफर कम ही मिलने के कारण भी उन्होंने कभी भी फिल्मों की मनाही नहीं की। उन्हें बॉबी से पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के मानसिक रूप से बीमार मंगेतर का रोल निभाया था और सबने उन्हें पसंद भी किया। और 80 के दशक में अपनी ढलती उम्र के कारण उन्हें बहन, आंटी, माँ और दादी के ऑफर आने लगे। जब एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल से पूछा गया कि आप एक बहन के करेक्टर के रूप में टाइपकास्ट कैसे हुई, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब गोपी के साथ शुरू हुआ, जहां मुझे महान दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ। मना करने के बारे में तो भूल ही जाओ, मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। भले ही मुझे बस जाकर सेट पर उन्हें देखने का मौका मिलता, तो भी मैं ये फिल्म कर लेती, मुझे वो बहुत पसंद थे। उन दिनों हर एक्टर उनकी नकल करता था, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या मनोज कुमार हो। मैं दिलीप साहब की बहन के रूप में बहुत ज्यादा डिमांड में थी। हर हीरो यही चाहता था कि अगर एक्ट्रेस कोई बहन के रूप में आए तो फरीदा जलाल हो। फरीदा इससे खुश भी थी, क्योंकि एक्ट्रेस सिर्फ गाने गाती थी, जबकि उनके पास ड्रामा वाले सीन होते थे। मुझे मेरी पहचान और जितने भी अवार्ड्स मिले, वो इसी तरह इसी रोल को करके मिले। पारस मूवी में मैं संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन राखी दी जिन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया, उनके अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। उन्हें इसके लिए पहला अवार्ड भी मिला और दूसरा अवार्ड उन्हें मजबूर के लिए मिला, जो कि सलीम और जावेद की लिखी एक मूवी थी, जिसमें बच्चन साहब उनके भाई थे। फरीदा जलाल ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब मुझे इतने दमदार रोल एज अ सिस्टर रोल प्ले करके मिलेंगे, तो मैं एक्ट्रेस क्यों ही बनना चाहूंगी। अगर फरीदा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें, तो इन्होंने एक्टर तबरेज बरमावर से शादी की, जो कि कर्नाटक के भटकल के रहने वाले थे। ये जीवन रेखा के मूवी सेट पर मिले और दोनों को प्यार हुआ। इनके पति का साबुन के फैक्ट्री का बिजनेस था और इनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन है। और साल 2003 सितंबर को फरीदा के पति की मृत्यु हो गई। फरीदा ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया। इनमें राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम शामिल है। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए भी अपनी एक यादगार छाप छोड़ी है। फिल्मों के अलावा इन्होंने टेलीविजन पे भी काम किया है, और शरारत में वो बहुत ही नटखट नानी के रूप में नजर आई थी। साल 2017 में फरीदा की मौत की अफवाह उड़ी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी थी और उन्हें पब्लिकली इस अफवाह को खारिज भी करना पड़ा। तो दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आप क्या रोल कर रहे हैं, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप लोगों की नजरों में अपनी पहचान बना पा रहे हैं, जैसे कि फरीदा ने बनाई। आपको फरीदा के बारे में क्या कहना है? आपको उनका कौन सा नाटक या फिल्म अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।